आज की जो तिलावत है वो नए अहदनामा में से पौलुस रसूल के खतूत तिमोथियस अपने शागिर्द को उन्होंने लिखा, दूसरा तिमोथियस और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली पांच आयात जो हैं वो कलाम खुदा में से हम तिलावत करेंगे। दूसरा तिमोथियस और तीसरा बाब है और उसकी पहली पांच आयात, फर्स्ट फाइव वर्सेस। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन ये जान रख, हाँ जी, लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में, कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद घर, क्योंकि आदमी खुद घर जरदोस्त, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, मगरूर, बदगो, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्र, ना शुक्र, ना पाक, ना पाक, तबी मोहब्बत से खाली, तबी मोहब्बत से खाली, संग दिल तोहमत लगाने वाले, संग दिल तोहमत लगाने वाले, बेजब, बेजब, तुंद मिजाज, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, दगाबाज, ढीठ, ढीठ, घमंड करने वाले, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत, खुदा की निस्बत, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले, ऐशो इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे, होंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल न मगर करेंगे, उसके असर को कबूल न करेंगे, ऐसों से भी किनारा, ऐसों से भी किनारा करना, कलाम खुदा के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। आमिन टिला जाए लगा मन। अच्छा जो साड़ी पसंद की गल हो तो आमिन लंबा होंदा है, तो जो पता है ना भी ये थोड़ी जी कौड़ी दवाई है उत्थे आमीन भी थोड़ा जा डाउन हो जाता है। आमीन, शाबाश, ऐसे होना चाहिए। इबलीस नूं भी पता लगे ना भी खुदा दे बच्चे बैठे हुए ने इत्थे, है, क्योंकि घूमता फिरता है ना वो भी, उसको भी पता चलना चाहिए। आज जो टॉपिक है आखिर जमाना की निशानियां, जो साइंस हैं एंड डेज के हवाले से, आखिरी जो जमाना है। लोग अक्सर कहते हैं ना जी वो बड़ी देर से ये सुन रहे हैं आखिरी जमाना, तो उसकी जो निशानियां हैं, जो साइंस हैं, वो हम देखेंगे कि उसकी क्या निशानियां हैं, निशानात हैं उसके। पहली आयत में लिखा है लेकिन ये जान रख, यानी चर्च को, कलीसिया को होश में आने की ज़रूरत है। मैंने जुमेरात को कलाम की अहमियत पर बात की थी कि अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनूदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में मर जाता, हलाक हो जाता। ये टॉपिक था। लोग इसलिए हलाक हो रहे हैं कि लोग अदम मार्फत का शिकार हैं, और कलाम कहता है मेरे लोग सिर्फ अदम मार्फत के सबब से बीमारी नहीं हुए, गरीबी नहीं हुए, हलाक भी हो गए। मसीह इसलिए गरीब नहीं है कि वो ईमानदार हैं, वो इसलिए गरीब है कि अदम मार्फत है। क्योंकि कलाम जैसे जैसे आपकी जिंदगी में आएगा आपके हालात तब्दील होते जाएंगे, ये कलाम की कुदरत है। ये कलाम हमारी शख्सियत भी बदलता है, हमारा किरदार भी बदलता है, हमारे हालात भी बदलता है। और जहां जहां लोगों ने कलाम को कबूल किया है वहां पर हालात तब्दील हो गए। मसलन लोग मगरब की बात करते हैं कि जी मगरब में बड़ी प्रॉस्पेरिटी है। मगरब के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी जब इंजील पहुंची है तब आई है, जब रसूल प्रोसिक्यूशन के बाद मगरब की तरफ गए हैं, वेस्ट की तरफ गए हैं, यूरोप की तरफ गए हैं, तो इंजील वहां पर पहुंची। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि इंजील मगरब से नहीं आई बल्कि मशरक से मगरब की तरफ गई है। अब मशरक वालों को समझने की जरूरत है कि इंजील मशरक ने मगरब में पहुंचाई है।
और ये सारे हालात जो मगरब में प्रॉस्पेरिटी आई, सिविलाइजेशन आई, ये इंजील और खुदा के कलाम की बदौलत आई है। इसलिए इस जगह पर जो चर्च के लिए मैसेज है वो ये है, लेकिन ये जान रख अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन, इस पर थोड़ा गौर फरमाए। कौन से दिन? बुरे दिन। आप मुझे ये बताएं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इससे बुरे दिन तो हिस्ट्री में कभी आए ही नहीं है। आपका अपना मुल्क पाकिस्तान किन हालात से दो चार है, आप इस पर जरा गौर करें। दूसरी दुनिया के बारे में आप बाद में गौर कर लें, लेकिन आप अपने मुल्क की हालत पर गौर कर लें। यह एक ज़रई मुल्क है, एग्रीकल्चर कंट्री है, और लोग रोटी के लिए, आटे के लिए धक्के खा रहे हैं। इससे बुरा दिन तो नहीं मैं कहता हूं कि कोई और होगा, कि वो चीजें जो आपके अपने मुल्क में पैदा हो रही हैं, उसकी पैदावार होती है, प्रोड्यूस होती है चीजें, वो मुयस्सर नहीं आपके, इससे बुरा दिन क्या हो सकता। तो बुरे दिन भी अखीर जमाने की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं कि हम अखीर जमाना में से गुजर रहे हैं। रसूल ने यहां पर तिमोथियुस को लिखते हुए खबरदार जो किया है, लिखा है, लेकिन ये जान रख कि अखीर जमाना में बुरे दिन आएंगे। फिर क्या होगा? क्योंकि आदमी खुद, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, जरदोस्त, थैंक यू जी, खुद गर्ज, खुद गर्ज, ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जात तक महदूद है। नोट करें, ऐसा शख्स जिन्हू सिर्फ अपनी रोटी ना ले, जिन्हू सिर्फ अपनी जात ना ले। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि कई होंगे ने खुद गर्ज, तो कई एडे अजीब ने कि उन्होंने किसी ना भी नहीं गर्ज होंगी, अपने ना भी नहीं होंगी, कई एवें भी ने। लेकिन खुद गर्ज ऐसा शख्स जो सिर्फ अपनी जात तक महदूद है, खाना पीना शोहरत तारीफें, तारीफा सुन के भी बड़े खुश होंगे ना लोग, ये भी खुद गर्जी है। अपनी ही खुशी की तलाश, खुद गर्जी, लोग सेल्फिश हैं। मैंने बताया था ना एक दफा एक किसी का तखयल, दो मछलियां आपस में बातें कर रही थी, छोटी मछली बड़ी मछली से कहती है, इंसान जमीन पर रहते हैं और हम पानी में रहती हैं, ऐसा क्यों है? तो बड़ी मछली कहती, हम फिश हैं, हम इसलिए हम पानी में रहते हैं, और इंसान सेल्फिश हैं इसलिए जमीन पर रहते हैं। खुद गर्ज, सिर्फ अपनी खुशी की तलाश, और इस कदर तकब्बुर, घुमंड, शेखी से भरे हुए। आप उनको इबादतों में भी देखेंगे, ये नहीं भी वो इबादत नहीं करते, वो जानते ना गिरजे, वो गिरजे भी जाके बह जाने तो जे पहले आ जाए तो पीछे आने वाले नूं जगह नहीं देंदे, कहते नहीं 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 मैं पहलो आया हुआ, नाल अपना समान भी सीट पर रखा होंदा है, हालांकि सीट तो बहन ली होंगी, समान ली थोड़ी होंगी। कई लोगों को आप देखेंगे वो इबादतों में जाते हैं, कुर्सी पर बैठकर नाल अपना समान भी रख लेंगे, नहीं तो दूजे कहने पिछड़ पिछड़ तू लेट आया, तू लेट आया। हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए, हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर आप खुद गर्ज हैं तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनका जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं। खुद गर्ज, सिर्फ अपनी जात से मकसद, अपनी जात के इर्द गिर्द घूमते रहना, खुशामद को पसंद करना, तारीफें सुनने की आदत पड़ी हुई है लोगों को, चर्चेस के अंदर भी वो तारीफें सुनना चाहते हैं, हदिया देते हैं, चंदा देते हैं, चर्च को सपोर्ट करते हैं, स्टेज पर आना चाहते हैं, उनका नाम लिया जाए, उनका नाम अनाउंस किया जाए, उनके मां बाप के नाम की तख्ती लगाई जाए, लोगों को पता चले ये हदिया, ये पैसे, ये कालीन, ये पंखा, ये डाइस, ये हारमोनियम, ये चीज, फलां चीज, ये लाइटें फलां फैमिली ने दी हैं। एक टॉपिक था मैंने आपके दरमियान शेयर किया, अजर खुदा से या इंसान से, याद होगा आपको।
अगर तो आप खुदा से अजर पाना चाहते हैं तो आपके नेकी के काम, आपकी जनरॉसिटी, आपकी सखावत जो है इंसानों को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। खुदगर्जी का आलम यह है कि आप नुमाइश चाहते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम लेकर बुलाया जाए। मुझे कई कहते ने दुआ का मौका नहीं देते, मैं क्या जो तो मैं कहना आओ दुआ करिए तो मौका ही है। नहीं नहीं जी, सानू भी स्टेज पर सदया करो, हमारे पास मानों ने खुद लोगों को बिगाड़ा है। जब हम ये कहते हैं दुआ करें, अब देखिए इधर 1500 लोग अगर बैठे हैं PMI में, तो मैं 1500 नूं दुआ का मौका दांगा तो वेखियो फिर अगला दिन भी लंघ जाना तो इबादत ही नहीं मुकनी। लोग तो अगे कहते भाइयों की इबादत का शुरू होंदा एंड कोई नहीं होंदा, अक्सर देखा है आपने। खुदगर्जी भी अखीर जमाना की एक अलामत है कि लोग खुदगर्ज हो जाएंगे। और ये चर्च से बाहर नहीं बल्कि चर्च के अंदर भी लोग हैं। नंबर दो, दूसरी बात, जरदोस यानी दौलत से मोहब्बत करने वाले, जर दोस्त, जर से मोहब्बत करने वाले, ये वो लोग हैं जो खुद को अमीर और दूसरों को गरीब देखना चाहते हैं। और मैं जब अपनी हुकूमतों पर गौर करता हूं, कोई भी हो सकती है वो, तो मैं गौर करता हूं कि जर दोस्त ने ये चाहते असी अमीर हो जाइए बाकी सारा मुल्क गरीब हो जाए। ये जर दोस्त हैं, ये भी अखीर जमाना की अलामत है कि लोग जो हैं वो जर दोस्त हो जाएंगे, ना कि वो बल्कि ईमानदार चर्च में बैठे हुए लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं। मैं अक्सर अपनी ब्लेसिंग्स का जिक्र करता हूं तो मैं लोगों को कहता हूं आपने मुझसे ये छीन नहीं लेने पैसे, अगर खुदा ने मुझे बरकत दी है तो। कई लोग आप देखेंगे कि वो हर वक्त रोते रहते हैं, दूसरों को शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और झूठ बोल रहे होते हैं। जरदोस, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ताजर, जखीरा अंदोजी करने वाले, ये जरदोस्त हैं। लोग भूखे मर रहे होते हैं और ये लोग जखीरा कर लेते हैं, इन्हें दौलत से मोहब्बत है। और याद रखें ये भी अखीर जमाना की अलामत है, निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दौलत से मोहब्बत करेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास एक सरदार आता है, वो कहता है मैं क्या करूं कि हमेशा की, और यीशु ने कहा शरीयत पर अमल कर। उसने कहा ये लड़कपन से मैंने किया, यानी मजहबी था वो, प्रैक्टिस करता था। खुदा ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर गरीबों में, तो लिखा है वो अफसरदा होकर चला गया, ऐ औखा काम सी। और क्यों चला गया? क्योंकि वो जरदोस था, उसे दौलत से मोहब्बत थी। नंबर तीन, शेखीबाज। कौन कौन सा है तीसरा पॉइंट? शेखीबाज। शेखीबाज झूठा भी होता है, क्योंकि शेखी झूठ तो बगैर वजदी नहीं गई। एक बंदा दो मरले के घर च रहा, कहिंदा नहीं ओ जना कलोनी च अपने को एक कनाल की कोठी भी आ गई है, विखावे तुहानू कदी, ते रहिंदा दो मरले के घर च हुंदा है, कपड़े किराए से लैके पेंट कोट पाया होंदा है, ते ऐ भी कही जाणगे लखां दीआं करोड़ां दीआं गल्लां करी जाएगा। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि इंसान सबसे ज़्यादा अपने बारे में जानता है, मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे बाकी नहीं इतना जानते। आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो फिर शेखी क्यों मारते हैं आप? अगर खुदा ने आपको बरकत भी दी है तो क्या यह आपकी लियाकत, आपकी खूबी, या आप इस काबिल हैं कि आपको यह दी है? जी नहीं। एक टॉपिक पिछले दिनों में था, सरफराजी से पहले हलीमी और जवाल से पहले खुदबीनी, यानी तकबूर होता है। और इस पर जरा गौर करें कि ऐसा शख्स जो शेखी मारता है वो झूठ भी बोलता है,
और अगर आपकी जिंदगी में शेखी है तो इससे मुराद, इससे मतलब यह भी है कि आप झूठे हैं। तो शेखियां मारना बंद कर दें बतौर ईमानदार। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप शेखी ना मारें। किस चीज की शेखी मार रहे हैं? हम्बल रहें, फिरोतन रहें, आजिज रहें। मगरूर, अकड़बाज, जे चाकड़ बहुत होंगी। कई अपनी जात नाल बयान करके कहणगे असी ते फलाउन ने। कई पास्टरां नूं मैं वेख्यो वी कहणगे मैं कल्ला पादरी नहीं, ये ना होवे फिर मेरा दूजा रूप तुसी वेखो। यानी इहदा मतलब बैरूपीए हो तुसी है। अगर तुसी बैरूपीए हो तो फिर ही कहोगे ना वो तुसी मेरा हले दूजा रूप नहीं वेख्या। हमारा एक ही रूप होना चाहिए। हम जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से हों, और जैसे अंदर हैं वैसे ही हमें बाहर नजर आना चाहिए। एक ही रूप है हमारा। हम यीशु मसीह की सूरत पर ढलते जा रहे हैं, उसकी शबी पर। मगरूर, अकड़बाज, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स। और मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि आप या तो लोगों को दूर से देखें या गरूर से देखें। हाँ जी, आप लोगों को या तो दूर से देखें या फिर गरूर से देखें, वो आपको छोटे लगेंगे। ये जो दूसरों को छोटा, कमतर और नचीस और हकीर जानते हैं, ये गरूर से भरे हुए लोग हैं। वो गरूर किसी भी चीज का आपको हो सकता है, आपकी तालीम का हो सकता है, इल्म का हो सकता है, आपको मकाम का, सीट का, आप किसी बड़े ओहदे पर हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आपके पास नौकर चाकर हैं, आपके पास मालो दौलत और आसाइशें बहुत ज्यादा है, किसी भी तरह का गरूर आपके अंदर हो सकता है। और जब आप इस गरूर से भर जाएंगे तो फिर लोग आपको छोटे छोटे नजर आएंगे। मैं कोरोना के दिनों में देखता था लोग सलाम ऐ करते सन, हाथ नसी मिलाते। वो हुक्मरानों को होर मौका मिल गया, क्योंकि आपको पता हमारे हुक्मरान बड़े गरूर से भरे होते हैं। उनके चाहने वाले बेचारे कई दफ़ा हार लेकर आते हैं, फूल लेकर आते हैं, उनको ऐसे पीछे कर देते हैं क्योंकि वो गरूर से भरे हुए लोग हैं। नंबर पांच, बदगोई। बदगो, दूसरों के बारे में हमेशा बुरी स्टेटमेंट देने वाले। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर हमेशा बुराई फैलाते रहते हैं। मैंने पिछले दिनों ये बात सिखाई थी कि अगर आप झूठ को बार बार सुनेंगे और देखेंगे, आपको झूठ भी सच लगना शुरू हो जाएगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये देखे थे ये सोशल मीडिया, वो मैं कह फ्रॉड है। लोग नेगेटिव बातों को बड़ी जल्दी फैलाते हैं। अगर आप मनफी गुफ्तगु करते रहेंगे तो जो गुफ्तगु आप कर रहे हैं वो आपका माहौल बन जाएगा। अच्छाई भी तो बयान करनी चाहिए ना। मैं मानता हूं बहुत सारे खादमों भी बहुत सारे कमी घाटे, कमजोरियां, कुताइयां हो सकती हैं। ह्यूमन बीइंग बशर है ना वो भी, लेकिन ये खुदा का और उनका मामला है। दाऊद जब साउल का जुब्बा काट कर ले आया तो वो बड़ा बेचैन रहा, उसे दुख हुआ क्योंकि वो खुदा का ममसू था, उस पर हाथ नहीं डाल सका। उन्हें तो जुब्बा ही कटे आया तो वापस आ गया, असी एक दूजे नु कट्टी जान दे मुड़ते नहीं पे, तो बड़ी दलेरी ना फिर दे आ। एक दूसरे को बुरा भला कहते, करेक्टर असैसिनेशन करते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते, खानदानों में मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, कलीसिया, पास्टर, चर्चेस। आज मुझे कॉल आई यूएसए से, हमारे एक भाई हैं जॉन, असर भाई उनको जानते, कोई खुदा की खादमा गई हुई थी यूएसए में, तो बता रहे कि किसी दूसरे पास्टर ने लोगों को चर्च में नहीं आने दिया।
कि उठे ना जाओ। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा दाऊद कहता है जेड़ा मेरा हिस्सा उदा तू रखवाला। पास्टरां नूं डरने नहीं चाहिए, एक दूसरे दी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेड़े तुहाडे हिस्से की बरकत है खुदा ने तुहानूं देनी देनी है। जेड़ा मेरा हिस्सा उदा तू रखवाला। छठा पॉइंट बड़ा अहम है, मां बाप के नाफरमान। कौन? सारे जरा बोलो ना, मां बाप के। ऐसे बच्चे जो मां बाप की आंखों में आंखें डालते हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है। वो इधर भी बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, वॉच कर रहे हैं, बाद में देखेंगे, उनके लिए मेरा मैसेज है। आप जितने मां बाप की आंखों में आंखें डालते हैं, उनके साथ आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आप नोट कर लें, नोट कर लें इस बात को कि आप अपनी नाकामी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। वो स्टाम्प पेपर नहीं होंगे जिते लिख ली दा कला भी है, हूँ गल लिखी गई है, सनद रहेगी, याद रहेगी। उनके लिए मेरा मैसेज है, जो बच्चे माँ बाप इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कैमरा पर मुझे वॉच कर रहे हैं, सुन लें, नोट कर लें, आप अपनी नाकामी के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर रहे हैं। मां बाप के नाफरमान। वो बेटियां भी हो सकती, वो बेटे भी हो सकते हैं, अफसोस उन पर। वो बेशक प्रस्तुत करने वाले हो, साजिंदे हो, वो कोई साउंड ऑपरेटर हो, वो कोई पास्टर हो, वो कोई कैमरामैन हो, वो कोई यूथ लीडर हो, कोई संडे स्कूल टीचर हो। अफसोस ऐसे लोग चर्चेस में भी हैं, लेकिन वो मां बाप की नाफरमानी करते हैं। अगर मां बाप किसी जगह गलत है तो इसका तरीका ये नहीं कि आप उनकी आंखों में आंखें डालें। इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूं। घर में जाकर कहें, अबू जी, माँ जी, वो गल इस तरह नहीं सी जिस तरह तुम कराते हो, मैं चुप रहा क्योंकि मैंने तुहाड़ी इज्जत का ख्याल है। वो फिर कहेगा अच्छा अच्छा पुत्र, चलो आइंदा नहीं इस तरह करांगे। ऐसे हो सकता है। और आज के बच्चे इस कदर घुमंड से, तकब्बुर से, हमाकत से भरे हुए हैं, वो माँ बाप का मुकाबला कर रहे हैं। वो बेटा जो अपने बाप को हकीर जानते हैं, वादी के कौवे उसे उछक लेंगे। सुलेमान ने यह बात कही है। अजीजो, ये सारी निशानियां अखीर जमाने के बारे में हैं। दुनिया में तो पहले जीना बड़ा मुश्किल है, आपने गौर किया है? मैं सिर्फ मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। सारी दुनिया मुश्किल में पड़ी हुई है। दुनिया में तो पहले नेगेटिव प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरी दुनिया तबाही की तरफ चली गई है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। हमारी हुकूमतें बेचारी कोशिश कर रही है, हमारी सिक्योरिटी अदारे कोशिश कर रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हुआ हुआ है। आपकी दुनिया तो पहले बर्बादी और तबाही की तरफ चली गई है, तो बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। सातवां पॉइंट, ना शुक्र। ऐसे लोग जो बुड़बड़ाते हैं, बनी इसराइल बियाबान में बहुत बुड़बड़ाए। हाँ जी, हाँ जी, रोटी से शिकवे। आठवां पॉइंट बड़ा खास है, नापाक। क्या जी बोले? हाँ हाँ, पता होना चाहिए ना अगला पॉइंट क्या है। आज सोशल मीडिया पर इस कदर गंदगी और नपाकी है कि सोशल मीडिया हमें ड्राइव कर रहा है। पता है, ड्राइवर ही लेके जाएगा ना जिथे तानू लेके जाएगा। बच्चों को गीत सिखाते हैं संडे स्कूल में, क्या सिखाते हैं जी मैडम, जरा बोलें। छोटी छोटी जीवन गाड़ी, छोटी छोटी जीवन गाड़ी। सब बोलेंगे छोटी छोटी जीवन गाड़ी, जीवन हाथ से नहीं चलती है, हाथ से नहीं चलती है, दूर दूर वो जाती है, दूर दूर वो जाती है। कैसी अच्छी गाड़ी है, कैसी अच्छी गाड़ी है, अगर शैतान ड्राइवर, हाँ, अगर शैतान
ड्राइवर हो तो गाड़ी झट गिर जाती है, गाड़ी झट गिर जाती है दूर दूर वो जाती है। अगर यीशु ड्राइवर हो, ये बड़ी खूबसूरत बात है, अगर यीशु ड्राइवर हो तो गाड़ी स्वर्ग को जाती है। प्रेज द लॉर्ड, फिरदौस में जाती है। आमीन। सोशल मीडिया नपाकी से भरा हुआ, वहां पर आने वाली मशहूरियां, जो एड्स हैं, जो टीजर वहां पर चलती हैं, जो शॉर्ट क्लिप्स चलते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसमें सिर्फ बच्चे ही उस नपाकी में नहीं फंसे हुए, नौजवान हमारे बेटे बेटियां ही उसके कब्जे में नहीं है, हमारे शादीशुदा लोग भी उसके कब्जे में आए हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी उसके कब्जे में आए हुए हैं, जिन्हों मर्जी देख लो मोबाइल लेके बैठा होगा, और वो बेहुदा गाने और वो बेहुदा शायरी और वो बेहुदा टॉक और वो बेहुदा मजाक बड़े मजे मजे से सुन रहे हैं। ऐसे जैसे जकड़ा हुआ इस नपाकी ने लोगों को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है, और कलमे खुदा हमें सिखाता है कि नपाकी का लच्छरपन का यह सैलाब दुनिया को जहन्नम में ले जाएगा। जिसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है पकड़ के, तभी मोहब्बत से खाली, दुनिया की मोहब्बत खुदगर्जी की मोहब्बत है। हम सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां जहां परसिक्यूशन हो रहा है, हम बड़े अजियत में से गुजर रहे हैं, मुश्किल वक्त है चर्च के लिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि हम अपनी बुनियादी तालीम को भूल जाएं कि हमने अपने सताने वालों के लिए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। अब मत भूलें, इंजील की तालीम को थामे रखें, आप देखेंगे इंजील लोगों की जिंदगी तब्दील करेंगे, क्योंकि गॉस्पल इज द पावर ऑफ गॉड, इंजील खुदा की कुव्वत है, कुदरत है। खुदा ने हमें उस वक्त कबूल किया जब हम मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत के लायक थे। हम तो खैर उनसे प्यार करते ना जो हमसे प्यार, अन्योंदरे का जोड़ा जमाना सी की करते होंगे सन, मुझे याद है वो नाई ने थाल लैके, नाई ने या जिन्हें भी उन बादना एक सियाने बंदे नो थाल दे विच थोड़े जे चौल ते चीनी पा के ते गेडी सारी नाल वो डायरी जी भी रखी होंदी सी, उच लिखना जी फलां शंगारा मसीह, तारा मसीह, जगन मसीह, बूटा मसीह, फलां फलां, कुल रकम इन्ने लवाऊ ते इन्ने चढ़ाऊ ते पूरे पूरे ते जिदे घट होने कहना रैम दे असी नहीं लैने या तो पूरे दे, है ना, इन्नी उंदरे वाला रौला जोड़ा। हूँ तो खैर थोड़ा मॉडर्न दौर हो गया, अनवैलप च पा के दे दें, चलो बेहतरी की तरफ आ गई है गल, नहीं तो लड़ पेंदे होंगे सी लोग। हम तो सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं ना जो हमसे मोहब्बत करते हैं। खुदा ने सारी दुनिया से मोहब्बत की है और अपना बेटा दिया है, और उस वक्त मोहब्बत की जब इंसान इस लायक ही नहीं था। इंजीली बयान है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, और उस वक्त मोहब्बत की जब हम इस लायक ना थे। संग दिल, अगला पॉइंट, संग दिल। मैं गौर कर रहा था कि मगरब के अंदर जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। अमेरिका में मैं एक दफा ट्रैवल कर रहा था तो एक ब्रिज बड़ा हैरान कुन सा मैंने देखा, और मुझे उस भाई ने जो मुझे ड्रॉप करने एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, वो मुझे बता रहा था कि ये सिर्फ जानवरों के लिए ब्रिज बनाया गया है। किन के लिए? जंगल कनेक्ट किया है एक दूसरे, एक तरफ से दूसरी तरफ,
क्योंकि जानवर अक्सर सड़क के ऊपर आ जाते थे और ड्राइवर्स और गाड़ियां उन्हें हिट कर देती थी और वो मर जाते थे। हुकूमत ने उनके हकूक का ख्याल रखा, एक पुल बना दिया ताकि वो अगर जंगल के इस तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहें उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो। मैं हैरान हुआ, पाकिस्तान में आप देखें, हमारे सिर्फ पाकिस्तान ही पूरे एशियन वर्ल्ड को देखें कि इंसानी हकूक की पामाली कैसे होती है। लोग संग दिल हैं, वो बंदा तड़पता रहता है तो शुक्र 1122 आ गई तो चुके ले जाते ने तो बंदा उत्थे मर जाता है। बेहतरी तो आई है लेकिन अभी भी बहुत बेहतर होने की जरूरत है, अभी भी बहुत काम करने वाला है। संग दिल हमें गौर करनी है। और इवन जानवर इंसान तो दूर की बात, कई दफा हम अपने अपनों के साथ बड़ी संगदिली करते हैं। माँ प्यो तड़पता रहता है, उन्हें दवाई नहीं लैके देंगे। अच्छा जो तो मर जाता है तो फिर बड़े उन्होंने तुम कारवाइया वेख्यो, फिर फुल लै लै कबरों पर जाते हैं, फिर कबरों के उत्ते पत्थर भी लवाते हैं, फुल बूटे भी आपने देखा होगा मरने के बाद फुल बूटे वाले भी उत्थे पहुंचे होंगे ने, बड़ी अभियारियां करते हैं जाके उत्थे जनाब। अफसोस, हाँ बिल्कुल अदनान सही कह रहे हैं आप भी, वो कह रहे हैं कि पीछे फिर बड़े वो जी जनाब चालिए और फिर देगा और फिर पालक गोश्त, लाहौर होए तो काम ऊपर चला जाता है, फैसलाबाद होएगा तो चलो हो सकता है मुर्गी तो गोश्त नहीं गल बन जाए, उत्थे पालक गोश्त भी चलता है तो पूरा टब्बर आया हों रोटी खाने लिए, आह कब्रिस्तान भी रोटी बेचते। अफसोस संग दिल तोहमत लगाने वाले, इल्ज़ाम लगाने वाले। कई दफ़ा खामोशी बहुत अच्छी चीज़ है, सुन लें गौर से। तोहमत लगाने वालों के लिए मेरा मैसेज है, खामोशी बिग ब्लेसिंग। मुझे पता होता है बंदे चाहे खराबी है मैं चुप रहना हूँ, खामोशी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरों की कमज़ोरियों को देखकर खामोशी के साथ उसके लिए दुआ करना, ये मसीह लोगों में खूबी होनी चाहिए। तोहमत लगाने वाले बेजब्त आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, जल्दी जल्दी देखें, बेजब्त आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, तुंद मिजाज, बदतमीज जिसे कहते हैं, स्टूपिड, तुंद मिजाज, ऐसी शख्सियत हर वक्त बदतमीजी वाला मूड। देख लें आपके मुल्क में दुनिया में लोगों का यही हाल है, एक लम्हा में वो आपके गले पड़ जाते हैं। नेकी के दुश्मन, यानी नेकी उनको पसंद नहीं है। दगाबाज, फ्रॉडिये, आप देखिए कितने फ्रॉड हो रहे हैं। ढीठ, किसी की नहीं सुनते, और पंजाबी जो कहते हैं थिंदे शर्मिंदे, गलत काम करके भी ढीठ नहीं होंगे। घुमंड करने वाले, तकब्बुर से भरे हुए, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को पसंद करने वाले, खुदा की निस्बत, हाँ ऐशो इशरत के मानी बहुत वसी हैं, अब नहीं बयान हो सकते क्योंकि ये लंबी बात है। ऐशो इशरत के मानी बहुत वसी हैं, कई लोग छोटी छोटी ऐशो इशरत करते, कई लोगों की ऐशो इशरत बहुत बड़ी है। आखिरी बात, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके हाथी के दांत मैंने पिछले दिनों बताया था कि हाथी के दांत कीमती बड़ी होते हैं। वो कहते ना हाथी जिंदा, वो दे दंदा दी तो सारी स्टोरी है, वो महंगे बिकते ने, दंद 1.25 लाख का। वो जिन्हों के नाल खांदा है ना वो नहीं नज़र आते, उड़े बाहर होंगे वो नज़र आते हैं। वो दीनदारी की, यानी गिरजे भी जाएंगे, इबादत भी करेंगे, कई ने क्रॉस भी पाई होंगी है। क्रॉस ताडे किरदार चो नज़र आने चाहिए है। स्लीप का पैगाम तो बेवकूफ़ी है मगर हम निजात पाने वालों, निजात मिलनी चाहिए, निजात आपके किरदार में से नजर आनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपकी खिदमत में बयान की हैं,
ये खीर जमाना की निशानियां हैं। हम करीब तर होते जा रहे हैं सेकंड कमिंग यीशु मसीह का दुनिया में आना, और ये सारी बातें जो मैंने आपकी खिदमत में की है, ये सारी चीज़ें आज चर्च में बैठे हुए लोग उनकी जिंदगियों में भी हैं। ये सिर्फ बाहर नहीं है, चर्च के अंदर भी ये, इस पर गौर करें। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, हाथ उठाए आसमान की तरफ। सबा रखा, अपनी सलीब उठाए, सलीब उठाए। सलीब उठाने से मुराद आपने खुद ही का इनकार किया, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी रगबतों को, अपनी अपनी जितनी बेवकूफियों और नादानियों को आपने सलीब पर खींच दिया है। आपने सलीब यानी मसलूब कर दिया उनको। और पौलुस रसूल कहते हैं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह आपके किरदार में नजर आना चाहिए, मसीह आपके मिजाज में, मसीह आपके गुफ्तार में नजर आना चाहिए। आओ मिलकर दुआ करें, सब दुआ करें।